कोई हमारे मकान पर कब्जा करके उसका मालिक बन सकता है? जवाब है नहीं। सालों तक भी किसी की संपत्ति को अवैध तरीके से हथियाने पर भी व्यक्ति वो घुसपैठिया ही कहलाया जाएगा। लेकिन देश के सेकुलर ठेकेदारों की घटिया राजनीति के चलते न केवल मुगलों द्वारा कब्जाई गई जगहों का असली मालिक उनको माना जाता है, बल्कि ऐसे हमलावरों को महान भी बताया जाता है। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए इस क्षेत्र को घेर लिया था। पूरे काशी में मुगल सैनिकों के हाथों में तलवारें और मंदिर को छोड़कर भागते लोगों की चीखें ही दिखाई और सुनाई दे रही थी। तब एक पुजारी ने हिम्मत दिखाई और महादेव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए शिवलिंग के साथ ही ज्ञानवापी कुएं में कूद गए। लेकिन जैसे हर काली रात की सुबह होती है, वैसे ही 1777-1780 में महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने ही इस परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया और सनातन संस्कृति के गौरव को स्थापित करने का काम किया। मोदी सरकार के प्रयासों से 353 साल पुराना ज्ञानवापी कुंड काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार में कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है। लेकिन ये तस्वीर उसी नंदी की है जो सालों से अपने महादेव की ओर मुंह कर मंदिर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि हमारी प्राचीन विरासतों पर अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले आज हमसे ही सवाल कर रहे हैं। राम मंदिर से लेकर मथुरा जन्म स्थान, कुतुब मीनार से लेकर ज्ञानवापी, ऐसे कई उदाहरण हैं जो सनातन की सांस्कृतिक विरासत पर हुए कब्जों की कहानी कहते हैं। राम मंदिर निर्माण और रामलला के सम्मान के लिए सालों की लड़ाई के बाद जब कानूनी तरीके से ज्ञानवापी के सच को सामने लाया जाने लगा, जब अपने अधिकार के लिए हिंदू समाज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दी, तो सच सामने आने की बौखलाहट में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के सिद्धांत पर चलते हुए ओवैसी जैसे नेता भड़काऊ बयान देने लगे। सालों तक चले तुष्टिकरण और वोट बैंक के लालची नेताओं ने कुछ लोगों के हौसले इतने बढ़ा दिए कि सनातन संस्कृति को हड़पने की साजिश करने वाले आज खुद को ही मालिक समझने लगे हैं। सालों तक तलवार के दम पर भारतीय संपदा को लूट कर अपना बताने वाले आज हमारे कानूनी हक को ही चुनौती देने लगे हैं। बात बात पर कानून की दुहाई देने वाले आज कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ ही सर उठाने लगे हैं। मतलब साफ है, सालों तक तलवार के दम पर हुकूमत करने वालों और उनके लिए आंसू बहाकर तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को न कानून पर विश्वास है न संविधान पर श्रद्धा। इसलिए तो अपने झूठ को सच के ऊपर थोपने के लिए भीड़ तंत्र का सहारा ले रहे हैं।